हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमई पर मिल रहे हैं। और इस चैनल में आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, आपको क्या करना है, बस एक लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे वीडियोज हम लोग अवेलेबल करा सकें। और साथ ही साथ टॉपिक्स पे भी डिस्कशन हो अच्छे से। अब जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने आपको कई सारे टॉपिक पे बात कर ली थी। अब कई सारे टॉपिक की बात थी, जैसे हमने लास्ट टॉपिक हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपसे बात की थी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के काफी न्यूमेरिकल करवाएंगे, साथ ही साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बात होगी और ओस्मोटिक प्रेशर पे भी बात होने वाली है। तो बच्चों, आपको वीडियोस एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे के सारे अगर आपको टॉपिक क्लियर करने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। ठीक है, तो अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या? अगर हम लोग डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन मीन्स होता है डिक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंपाउंड फ्रीज हो जाए, इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उनको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन एक्चुअल में जो बात करें हम लोग 12th स्टैंडर्ड की, तो ये डेफिनेशन वहां पे, मतलब एक तरह से ये डेफिनेशन थोड़ा सा कम ठीक है, इसलिए हम लोग उसकी नई डेफिनेशन पे बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लिक्विड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर प्रेशर सॉलिड फेज। यानी सॉलिड फेज और वेपर फेज के जब उसका वेपर प्रेशर, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, डायनेमिक मोशन में हो जाए, मतलब प्रॉपर वो कन्वर्ट होता है, तो उस टेंपरेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो जाहिर सी बात है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग, इसी डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ गए? When a non-volatile solute dissolves in a volatile solvent, then the जो freezing point of the solution is decreases. This is called depression in freezing point. जैसा कि Raoult's law के according क्या था? When a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases and now it becomes equal to that of the solid solvent at lower temperature. Thus, the freezing point decreases as shown in the graph. तो कह रहा है कि जैसे आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये तो वेपर प्रेशर का है इस साइड, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये टेम्परेचर का है, ये इधर टेम्परेचर का है। तो सपोज करिए ये आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्यूट मिलाया, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो आ गया टीएफ, ठीक। इस पॉइंट से ये यहाँ तक आपका लिक्विड सॉल्वेंट था ऐसे, फिर इसके बाद जैसे ही आपने सॉल्यूट मिला दिया तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे ये फ्रोजन सॉल्यूशन है आपका, ठीक। ये सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ पे ये इतना इस पॉइंट तक लिक्विड सॉल्वेंट था, फिर यहाँ पे सॉलिड फ्रीज हुआ, और जब सॉल्यूट मिला दिया तो इस पॉइंट पे आके दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया। अब आप इसको कह दोगे इतने को डेल्टा टी एफ, ठीक। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। टी नॉट एफ एंड टी एफ आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। टी एफ किसका है? प्योर सॉल्यूशन का आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और टी नॉट एफ जो है वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। हियर व्हेन वेपर प्रेशर्स इन लिक्विड फेज ऑफ एंड सॉलिड फेज आर इक्वल, T not F is greater than TF, so
there is depression of freezing point of solution due to their presence of non-volatile solute in solution. So delta Tf is equal to T naught F minus Tf. भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप non-volatile solute को आप solvent में dissolve करोगे तो जो उसका freezing point है वो तो depress करेगा ही, घटेगा ही. तो इसको कहा जाता है depression in freezing point. अब liquid solutions की बात करें, dilute solution की बात करें, तो इसमें dilute solution में आपके पास जो molarity होती है, molar concentration होता है, तो molar concentration या molality is directly proportional to depression in freezing point. मतलब delta Tf is directly proportional to small m. मतलब ये है कि delta Tf is equal to Kf into small m. ये ठीक, यानी depression in freezing point is directly proportional to molality. For dilute solutions, depression of freezing point is directly proportional to the molality of solution of non-volatile solute. Delta Tf is equal to Kf into small m. Kf is called freezing point depression constant और molar depression constant, और इसी को cryoscopic constant भी बोलते हैं. ठीक, इसका unit Kelvin kilogram mole inverse है. For a solution, Kf is defined as the, अगर हम यहाँ पे Kf की बात करें तो delta Tf is equal to, अगर हम लोग Kf की बात करें तो molality को अगर हम 1 consider कर लें, unit मान लें कि मतलब 1 mole of non-electrolyte, non-volatile solute dissolved in 1 kg of the solvent, then the depression in freezing point is called molar depression constant. When 1 mole of non-volatile, non-electrolyte solute dissolved in 1 kg of the solvent, then the depression in freezing point is called molar depression constant. ठीक, तो यहाँ पे इसकी definition हो जाएगी. और डेल्टा Tf is equal to Kf into small m, और डेल्टा Tf is equal to Kf 1000 into Wb. ये Wb आपके सॉल्यूट की बात करेगा, Wb सॉल्यूट की बात करेगा, Wa जो होगा वो सॉल्वेंट की, और Mb जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करेगा. तो इस टाइप से अगर आपको वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हो. ठीक, तो ये हमारी बात किसकी हो गई, ये हमारी बात हो गई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की. नेक्स्ट, अब जैसे न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर लेते हैं. 45 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2. अगर इसको आप फॉर्मूले में देखें तो कुछ इस तरह से होता है. इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे 62 आएगा. तो कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन Kf गिवन, तो स्मॉल w कितना है बेटा, स्मॉल w गिवन है आपका 45 ग्राम. ठीक, कैपिटल W, ये WB है और ये WA है, ये कितना है, ये 600 ग्राम, ये 600 ग्राम. Kf भी गिवन है, Kf भी गिवन है 1.86. ठीक, ये बात आ गई. तो डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इनटू स्मॉल WB इनटू 1000 upon capital WA into क्या हो जाएगा MD. वैल्यू रख दीजिए आप डेल्टा Tf, पूरी वैल्यू आप रख दीजिए, उठा के सॉल्व करिए, डेल्टा Tf जो आएगा वो 2.25 केल्विन आ जाएगा. अब ये जो डेल्टा Tf आया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आया, आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है. तो डेल्टा Tf आ गया और T नॉट F आपको पता है क्या होता है, भाई वाटर है तो T नॉट F तो आपको पता ही है कि 273.15 होता है, 273.15 केल्विन होता है. माइनस करिए तो आपको Tf मिल जाएगा. ठीक, T नॉट F माइनस डेल्टा
उसको माइनस करिए आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हमारे न्यूमेरिकल की बात थी, आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उसको हम लोग बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओस्मोटिक प्रेशर, मैं बच्चों में कई सारी बातें आपको बता दूं कि ओस्मोसिस क्या है। पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस क्या है। तो ओस्मोसिस मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा घरों पे बहुत सारी चीजें डेली लाइफ के प्रैक्टिकल्स की बातें हैं ये हमारी। जैसे सपोज करिए आपके ही घर पे कभी छोला बनता है तो उसको चने को पानी में फुला दिया जाता है, ग्राम जो होता है उसको पानी में फुला देते हैं तो वो फूल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से पिकल्स होता है, अचार बनाया जाता है तो उसको जो आम के होते हैं मतलब रॉ मटेरियल्स होता है उसको तेल में डाल देते हैं, ऑयल में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है। अंगूर है, ग्रेप्स हैं, इनको आप शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे मतलब सिंक कर जाएगा। किसमिस है, पानी में डाल दो तो फूल जाएगा। तो ये सब आखिर है क्या एक्चुअल में। तो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं बच्चों। तो डेली लाइफ से रिलेटेड बातों में क्या है कि आप खुद ही देख रहे हो कि ये सारा का सारा आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स हैं जो अंदर इंटर हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो बाहर आ जाते हैं। बस मेरे बच्चों यही तो ओस्मोसिस है कि मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर उधर आना, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड आना, यही ओस्मोसिस है, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। दो टाइप से होता है ओस्मोसिस, एक एक्सोस्मोसिस और दूसरा एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होता है, जब कोई चीज एग्जिट करे कि भाई कोई चीज एक्सो मतलब एग्जिट बाहर निकले। अब जैसे ग्रेप्स को है आपने शुगर सॉल्यूशन में डाला तो ग्रेप्स सिंक कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या, वो अंदर का मटेरियल बाहर आ गया, अंदर का मटेरियल बाहर आ गया तो वो सिंक कर गया, ठीक। किसमिस रेजिन, उसको पानी में डाल दो तो फूल जाएगी, मतलब बाहर का जो सॉल्वेंट है वो कहां पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। तो आप इसको क्या कहोगे, ये तो सिंक कर गया, सॉरी ये तो स्वेल कर गया, ये भी एक ओस्मोसिस है। अब इसमें अंदर इंटर हुआ है पार्टिकल तो इसको कहा जाएगा एंडोस्मोसिस। आपको ध्यान रखना है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। बॉइल्ड एग, उसको अगर शुगर वाटर में डाल दो तो फूल जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो तो पिचक जाएगा मतलब श्रिंक कर जाएगा। ये सब ओस्मोसिस के एग्जांपल हैं, कोई एक्सोस्मोसिस है तो कोई एंडोस्मोसिस है। अब इसी ओस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग एक प्रेशर लगाएंगे और उसी प्रेशर को कहा जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारे पास है। ओस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और ये जो ओस्मोसिस प्रोसेस होता है मेरे बच्चों, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ओस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, फिर उसको आप कह दोगे डिफ्यूजन। तो ओस्मोसिस प्रोसेस के लिए SPM का होना जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मींस होता है हाफ, परमिएबल मतलब परमिट दे दे, जो सिर्फ हाफ की परमिट दे, मतलब सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होते हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिट दे, यानी जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्टिकल्स को परमिट दे हायर को नहीं, उसको कहा जाता है क्या, सेमी परमिएबल। दो टाइप से होती है, सिंथेटिक और मैग्नेट। जो सिंथेटिक होती है वो बनाई जाती है, ठीक, मैनमेड होती है कॉपर फेरोसाइनाइड, और जो नेचुरल होती है वो एनिमल मेम्ब्रेन है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, सब तुम्हारे क्या होते हैं नेचुरल सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है, ठीक। तो इन पे हमारी बात हो रही है। कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो क्या है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो नेचुरल की जगह वो आपकी सिंथेटिक है, मैनमेड है, ठीक। तो यहां पे आपकी बात हो रही थी कि ओस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
concentration of solvent in the solution. It is temperature dependent, क्योंकि volume का है यहाँ पे, तो temperature dependent होगा. A semi permeable membrane may be animal bladder like pig bladder or parchment paper. तो semi permeable membrane हमने कहा synthetic की जो बात करी, gelatinous copper ferrocyanide. ठीक, अब osmotic pressure क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. तो सपोज करिए आपके पास यहां पे फ्रेश वाटर को फिल कर दिया गया है, ठीक है, बीच में एसपीएम लगा दी गई है, यहां आपका सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है NaCl, यहां आपका फ्रेश वाटर है. तो जैसे ही आपने SPM लगाया तो ये फ्रेश वाटर इधर इंटर करने लगा, और जैसे ही इधर इंटर करने लगा तो इसका जो लेवल है वो अपने आप बढ़ने लगा. ठीक, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस था, लेकिन जैसे ही ऑस्मोसिस प्रोसेस था, आपने यहां पिस्टन लगा था, उस पिस्टन से प्रेशर को अप्लाई किया. ठीक, जैसे ही इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया तो जो पार्टिकल्स अंदर इंटर हुए थे वो पार्टिकल्स प्री पोजीशन पे चले गए, रिवर्स बैक कर गए अपनी पोजीशन पे, आकर जो लेवल था वापस वो लेवल आ गया. तो द प्रेशर एग्जर्टेड टू द सॉल्यूशन साइड बाय विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स back to their pre-position. This is called osmotic pressure. ठीक? Osmotic pressure of a solution is the minimum pressure that must be applied on the solution of higher concentration of solute just to prevent the net flow of solvent molecules into the solution through the semi-permeable membrane at the given temperature. Osmosis, osmotic pressure depends upon the concentration of solution and its temperature. ठीक, तो ये हमारी बात आई osmotic pressure की. ध्यान रहे ये point बोल रहा है बार-बार कि osmotic pressure depends upon the concentration of solution and its temperature. क्योंकि molarity का terms होगा और molarity ऐसा concentration, ऐसा terms है, ऐसा content है जो temperature dependent होता है. ठीक, ये हमारी बात किसकी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर की थी. अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात अगर आई तो इसमें जाहिर सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस. ठीक, एक्सपेरिमेंटली अगर बात करें तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेंपरेचर T in Kelvin scale, यानी जो ये आपका प्रेशर होगा, osmotic pressure is directly proportional to molar concentration at given temperature. तो proportional हटेगा, given temperature है तो CRT. अब C आपको पता है कि concentration है, तो C is equal to number of moles upon volume in liter. और number of moles को भी break करोगे, तो given mass of solute upon molecular mass of solute into volume in liter into R into T, ये आपका पूरा का पूरा formula है. ठीक, तो ये, और यहां से अगर आप molecular mass निकालोगे तो MB is equal to WBRT upon pi into V, और V ध्यान रहे liter में रहता है. WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट. आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि आपके पास परमानेंट गिवन होती है 0.0821. आर की वैल्यू कंफर्म होती है न्यूमेरिकल में, आईपी 0.0821 ये रहती है. ठीक, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई. रिमेंबर दैट 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 mm भी आप इसी को बोलते हो, mm of Hg. Hg मरकरी होती है और प्रेशर को मेजर करने के लिए Hg का यूज करते हैं. 76 cm of Hg या 1.103 bar, 180 is equal to इतने bar होते हैं, या 1.103 into 10 to the power 5 pascal,
कभी कभी इस पास्कल का भी यूज आ जाता है, तो इसको भी आप मत भूलिएगा। ठीक, 1 bar इज इक्वल टू 0.987 atm। ठीक, ये आपके पास रिमेंबर करने वाला पॉइंट था जो आप रिमेंबर रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मेथड, बेस्ट मेथड अमंग अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन्स। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट मेथड है किसके लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन्स लाइक पॉलीमर्स जो बहुत हाई मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास इस मेथड की हेल्प से आप निकाल सकते हो रूम टेम्परेचर पर। एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी सो एरर इन मेजरमेंट इज लेस। यहां पे मोलैरिटी को यूज किया जाता है मोलैरिटी के प्लेस पे, जिससे कि जो मेजरमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेसी आती है। आल्सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द मैग्नीट्यूड ऑफ पाई वैल्यू इज अप्रिसिएबली लार्ज। ध्यान रहे इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो यही आपका बन गया कि व्हाई द मोलैरिटी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे करना है क्या करना है। तो ये सब यहां की बातें हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बातें हैं। ठीक है, तो आगे के टॉपिक में क्या है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद अगला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब दो आपके पास सॉल्यूशन हो और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, उन ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, इन सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब इसी के लिए फॉर्मूला आया है कि अगर आपकी बात की जाए कि भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, और जरा 2 मिनट बात कर लेते हैं कि अभी अभी आपने देखा है कि अगर दो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है। ठीक, तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू हुआ, और पाई वन का मतलब है सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी, आर टी से आर टी क्या हो गया कैंसिल, तो सी वन इज इक्वल टू क्या आ गया सी टू। अब सी वन इज इक्वल टू एन वन अपॉन वी वन क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, N2 upon V2 ये हुआ, N1 upon V1 is equal to N2 upon V2 आ गया। अब यहाँ पे N1 की जगह क्या रखोगे, W1 upon M1 V1, W2 upon M2 V2, ये आया पूरा पूरा फॉर्मूला निकल के जब W2 upon M2 V2 आ गया। अब अगर आपके पास V1 is equal to V2 is equal to V1, तो W1 upon W2 upon M2 ये आएगा आपके isotonic solution के लिए। ठीक, कि जब दो solutions के osmotic pressure same होते हैं उस condition पे हमारे पास isotonic solution आते हैं। कौन से solution? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहता कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हमने कहा जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर
तो जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब जैसे सपोज करिए, अब ये भी हो सकता है कि दो सॉल्यूशंस में से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए और किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए। दोनों ही बातें तो हो सकती हैं भैया, और जब दोनों ही बातें हो सकती हैं तो उसमें से उनको क्या कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चलते हैं अपने पुराने टॉपिक की तरफ। यही है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अ सॉल्यूशन विद लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड अ सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जिसका ज्यादा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर उसको कहा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ उसको कहा गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, एग्जांपल में दो सॉल्यूशंस हैं x और y, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई x और पाई y हैं। तो अगर पाई y का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो जो x है वो हाइपोटोनिक और y जो है वो हाइपरटोनिक। इस एग्जांपल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल आपके काम का है। और सॉल्यूशन ऑफ प्योर इनिशियल सॉल्यूशन प्योर इनिशियल सॉल्यूशन लेस देन 0.91% बाय मास इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, एंड आरबीसीज विल स्वेल एंड बस्ट व्हेन प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन। यानी ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और आरबीसीज में स्वेल कर जाएंगी और फट जाएंगी अगर उनको ज्यादा साइज में रखेंगे। उसी जगह पे उसी प्लेस पे a solution of pure inertial solution more than 0.91% by mass is called hypertonic solution and RBCs will shrink when kept in this solution. जब आप इस solution में रखोगे और उसका जो concentration है 0.91% से कम है, sorry ज़्यादा है, तो वो hypertonic होगा और वहाँ पे RBCs swell कर जाएंगी, sorry shrink कर जाएंगी। तो ये आपके hypertonic और hypotonic की बात है। ठीक, याद रखिएगा हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, साथ में आइसोटोनिक भी आपको याद रखना है। अगला मैटर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मेरे बच्चों ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आरओ। अब आरओ की बात अगर करोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपकी लाइफ में परमानेंट दिखता है, घरों पे भी आरओ चलता है। तो कैसा होता है ये आरओ भैया, आपको मैं फिर से बता दूं कि बताया ना कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, किस साइड, सॉल्यूशन साइड। तो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अब अगर आप सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो सॉल्यूशन में आपके पास दो पार्टिकल होंगे। ठीक, सॉल्वेंट और दूसरा क्या है, सॉल्यूट। ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं प्योर सॉल्वेंट, वो भी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्योर सॉल्वेंट की तरफ आ जाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ द प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, देयर इज अ नेट फ्लो बाय द सॉल्वेंट थ्रू semi-permeable membrane towards the solution of lower concentration of solute or pure solvent. It is called reverse osmosis. मतलब कहने का वही जो मैं कह रहा हूँ कि when the pressure more than osmotic pressure is applied into the solution side, then the pure solvent particles flows through solution to pure solvent side
दिस इज कॉल्ड थ्रू सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस आरओ। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है रिवर्स ओस्मोसिस का, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर रिवर्स ओस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक, तो यहां पे इसको यूज किया गया है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब जानते ही हो NaCl सॉल्यूशन होता है तो उससे सॉल्ट को अलग करना और वाटर को अलग करना, तो यही डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए इसका यूज करते हैं आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो ये हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, आज के जो टॉपिक थे हमारे पास दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे लास्ट लेक्चर में बताई गई थी और दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज बताई गई है। उन दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, यहाँ पे आपको बताया गया। अब आगे इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट टर्न पे, जिससे आपको इसके न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल्स करने के टेक्निक्स हम बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उन पे हम लोग एक बहुत ही गजब के डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाने के टेक्निक भी देखे जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर ईयर लॉन्ग ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।